अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। आपकी लाइफ और आपकी वाइफ और आपके बच्चों की स्टडी और आपका बिजनेस और आपका आपकी जॉब बहुत प्रॉफिटेबल चल रही होगी। ओके दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक एलोवेरा प्लांट के बारे में होगा। एलोवेरा पर मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बोला कि एलोवेरा प्लांट से, मतलब कि एलोवेरा लीव से हम कैसे जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं एलोवेरा प्लांट की। हाँ, मतलब उनका कहने का मतलब था कि हम एज अ सीड, इसका जो स्लाइस आपको दिख रहा है, अगर हम इसका जो पत्ता है या स्लाइस जो है वो दबा दे मिट्टी के अंदर, तो वो कितनी देर में जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। तो मेरे दोस्त, ये जर्मिनेशन ऐसे स्टार्ट नहीं होती एलोवेरा की। एलोवेरा की या तो सीड से होती है या फिर रूट लेवल से होती है। रूट से ही इसकी जो जर्मिनेशन है स्टार्ट होती है प्लांट्स की। ये रनर्स निकालती है, जिस तरह स्पाइडर प्लांट रनर निकालता रहता है, इसी तरह ये एलोवेरा प्लांट भी ज़मीन से ही रनर निकालती रहती है। मतलब रूट लेवल से ही इसके जो छोटे छोटे बच्चे देती रहती है और इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। ये हिंदी ज़ुबान में इसको बोलते हैं गुत कुमारी। वेल, जो भी कुमारी हो, लेकिन है ये कुमारी। बहुत ही इसके बेनिफिट्स भी हैं, हर्बल प्लांट भी है ये। डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ समझी जाती है। अगर आपके पेट में इन्फेक्शन है, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, तो इसका आप जूस, इसका पल्प आप यूज़ करें अपने खाने में, अपने जो सालन बनाते हैं उसके अंदर भी आप लिक्विड इसका यूज़ करके खा सकते हैं। बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। मैं जब टाइम मुझे मिलता है तो मैं पका के नहीं खाता, जस्ट स्लाइस को काटता हूँ। और इसके जो नेल्स आपको दिख रहे हैं, ये नेल्स इसके उतारे और इसका वॉश किया, ऊपर से जो इसका कवर है छिलका मैं उतार लेता हूँ, बीज वाला जो पल्प होता है वो डायरेक्टली मैं खा लेता हूँ। मुझे कड़वा नहीं लगता, क्योंकि पहले पहले स्टार्टिंग में कड़वा लगता था मुझे, लेकिन अब ये कड़वा नहीं लगता क्योंकि आदत हो गई है मुझे इसको खाने की। लेकिन मैं डेली बेस पर नहीं खाता इसको, डेली बेस पर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप एजड हैं तो। मान लीजिए अगर 35 साल से ऊपर आपकी उम्र हो गई है तो आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो रहा होगा, घुटने में कभी दर्द, कभी टांग में दर्द, कहीं सर में दर्द, कभी कहीं कभी कहीं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप इसका जो पल्प है वो यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको किस अंदाज़ में यूज़ करते हैं, शरबत में मिक्स करके यूज़ करते हैं, जूस में मिक्स करके करते हैं, या सालन में पका के खाते हैं, या डायरेक्ट खाते हैं। जैसे भी खाइए, इसके अंदर बहुत से प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी, ये विदाउट एनी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बगैर है। किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट इनका है ही नहीं। ओके दोस्तों, अब इनकी प्रोपगेशन की बात करते हैं। तो ये मैं जब लेकर आया था, बहुत छोटा प्लांट था, ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, आप इसको क्लिक करके रीडायरेक्ट हो सकते हैं उस वीडियो के ऊपर। तो जैसे मैं लेकर आया था इस प्लांट को, एज एट इज इसी प्लांट के अंदर ही ये, मतलब के पोर्ट के अंदर ही ये लगा हुआ है, तो इसको मैंने छेड़ा नहीं है। इसके अंदर रनर भी निकल आए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इसको आपने कैसे प्रोपगेशन करनी है, जबकि ये महीना बहुत गर्मी का है। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, गर्मी हो सर्दी हो, इसकी प्रोपागेशन 12 महीने में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। कोई सीज़न इसके लिए रिक्वायर नहीं है कि बाहर का मौसम होना चाहिए या बरसात का मौसम होना चाहिए। जो सभी सीज़न आपको मिले उसके अंदर इसकी आप प्रोपागेशन कर सकते हैं इजीली। तो इसकी प्रोपागेशन करूँगा मैं, एक प्लांट आपको निकाल के दिखाऊँगा। बेसिकली मुझे निकालना सारा चाहिए क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत बढ़ गई है। चलिए मैं सारे को ही निकाल लेता हूँ, ये जो तीन प्लांट और भी हैं इनको भी इंडिविजुअली मैं किसी पॉट के अंदर लगा देता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ इनकी ग्रोथ भी अच्छे से बढ़ती रहे। ओके दोस्तों, स्टे विद मी, जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट के आता हूँ। ओके दोस्तों, ये रनर आपको दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3 और 4। वाह, ये तो चार रनर्स मिट्टी के अंदर से ही निकला है एक ही पॉट में से। मतलब एक ही पौधा था, तो एक पौधे से चार पौधे मैं बनाने वाला हूँ। वाह इजहार, तेरी क्या बात है। मैं एक प्लांट से बहुत से प्लांट बनाने की कोशिश करता हूँ, मल्टीपल करता रहता हूँ उनको, तो वेल ये तो 4-5 प्लांट बन जाएंगे मेरे पास। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका रूट बाउल बाहर निकालूंगा, देखता हूँ इसका रूट बाउंडिंग हुई है या नहीं। वेल, रूट बाउंडिंग हो भी तो ये फिर भी ग्रोथ करता रहता है, ये ऐसा प्लांट है। ये कैक्टस प्लांट की ही वैरायटी होती है जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, पहाड़ों में उगते हैं जो प्लांट्स, ये उन्हीं में से एक है। इसकी देखिए ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त चल रही थी, बड़े वाले की स्लाइस देखिए कितने, कितना बिग साइज, थिक स्लाइस है, मोटे साइज का है, इसके अंदर काफ़ी हद तक पल्प भी होगा। वेल, अभी मैं पल्प खाने वाला नहीं हूँ, मैंने अभी अभी चाय पी है तो मेरा मूड नहीं है अभी खाने का। इसको मैं उल्टा लेता हूँ और उल्टाने के बाद इसको मैं हमेशा की तरह अपनी ये हैमर यूज़ करूँगा, जो
ताकि मैं चाहता हूँ इसकी जो मट्टी है रूट बाउल है वो गमले की दीवार को छोड़ दे, इसलिए थोड़ा सा मैं पटकूंगा इसको। लेकिन ज्यादा फोर्स मत कीजिएगा, नहीं तो गमला आपका टूट भी सकता है। इसकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं, मतलब कि इसकी टैब रूट नहीं बनती, हार्ड नहीं होती ये। वेल ये निकला है तो अच्छा है, आई थिंक काफी जो ना बाउंड हुआ हुआ है। मैं इसको उल्टा के करता हूँ कुछ। मुझे डर है गमला टूट ना जाए। आई थिंक 7 से 8 महीने हो गए इसको, निकल आया। ये एज इट इज इसी पोर्ट में लगा हुआ है। ओके, ये देखिए खाली गमला। बहुत वेट है इसका, क्योंकि ये स्लाइस के अंदर हड्डी तो होती नहीं है, जूस ही जूस होता है, पल्प ही पल्प होता है, इसलिए इसका वेट भी काफ़ी एलोवेरा का बढ़ जाता है। ओके, ये देखिए ये रूट्स कितनी डेवलप हो गई हैं और बाउंड होना शुरू हो गई हैं। रूट्स देख रहे हैं आप, ये दीवारों के साथ, गमले की दीवारों के साथ रूट बाउंडिंग इसकी स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। वेल, अब इसको मैं पहले पूरे जो प्लांट्स है वो उसको सेपरेट करता हूँ, इंडिविजुअल अलग अलग करता हूँ। तो उसके लिए ये ट्रे पकड़ लो। ओके, इसके अंदर मैं ओके, अब इसको मैं हाथ से ही इसका जो रूट बाउल है उसको तोड़ता हूँ। बट मैं बहुत केयरफुली कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि रूट्स इसकी डैमेज ना हो। मैं आपको जो रूट्स है, रूट्स का जो स्पाइडर है वो भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको भी समझ लग सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी हर वीडियो में कोशिश यही होती है कि मैं क्लियर आपको दिखाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। क्योंकि बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो जस्ट इंग्लिश को समझते हैं, हिंदी और उर्दू उनकी समझ में नहीं आती, तो वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि इंग्लिश में भी वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, ये चैनल ही उर्दू और हिंदी का है, तो मैं इसमें वीडियो इंग्लिश की अपलोड नहीं करने वाला। मैं अपने मुल्क के और अपने देश के जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनको फ़ायदा देना चाहता हूँ। इंग्लिश में बहुत सी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन उर्दू और हिंदी में बहुत ही कम है। मैं वाहिद हूँ, मैं सिंगल पर्सन हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो उर्दू और हिंदी में वीडियोस रेगुलरली बेस पर बनाता रहता है। हाँ, इधर तू अपनी तारीफ किए जा रहा है, कुछ काम भी कर ले। ओके, कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी प्रोपगेशन आप कभी भी कर सकते हैं, इसकी रूट प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं, इसकी रिपोर्टिंग और शिफ्टिंग आप, ट्रांसप्लांट आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी सीजन में कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मौसम सर्द होना चाहिए या गर्म होना चाहिए, जब आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। जबकि ये जून का महीना है, जब तक वीडियो अपलोड करूंगा जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, तो इतनी गर्मी के सीज़न में किसी प्लांट की रूट प्रूनिंग नहीं की जाती, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये प्लांट कर सकता है। एक इसके किसी किस्म की कोई डर नहीं है इसको, क्योंकि इसके अंदर होता ही पल्प है, इसके अंदर लकड़ी होती नहीं है, जूस होता है, तो इसको काफ़ी हद तक मॉइस्चर मिल जाता है, इसलिए इसको ये जल्दी डेड होने वाला नहीं है। ओके, ये देखिए, ये एक हमारे पास प्लांट रनर, इसको बोलते हैं रनर। ये रूट लेवल से ही अपनी प्रोपगेशन स्टार्ट करता है, इसकी कटिंग्स नहीं लगाई जाती। मतलब कि अगर जिस तरह मेरे व्यूअर ने कहा कि इसको हम स्लाइस को काट के ज़मीन के अंदर लगा देंगे, जिस तरह के कॉलन चोई का प्लांट होता है ना, पत्थर चट्टा प्लांट की भी प्रोपगेशन पत्ते से ही होती है। पत्ते को हम दबा देंगे तो पत्ते से ही उसकी प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है। समझ लीजिए प्लांट के पत्ते के अंदर ही उनका सीड होता है, लेकिन एलोवेरा का ऐसा नहीं होता है। एलोवेरा रूट लेवल से ही अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। तो ये हमारे पास एक बना बनाया पौधा मिल गया हमको। अगर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, तो ये एरिया ऊपर वाला, हम ये वाला एरिया, जस्ट ये वाला एरिया ग्रो करेंगे, तो ये स्टार्ट नहीं कर सकेगा, अपनी शूटिंग स्टार्ट नहीं कर सकेगा, मुरझा जाएगा। इसके लिए रूट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 1, 2, 3, 4 रूट्स है इसकी, तो बहुत ज़बरदस्त है, इसकी ग्रोथ हो सकती है। इसी तरह हम दूसरे प्लांट्स को भी अलग कर लेते हैं। ये देखिए, अरे वाह, काफ़ी हैं। ये देखिए, एक और प्लांट भी हमारा पास बना बनाया मिल गया। हाँ, ओके, ये एक और, ये देखिए, ये 3 प्लांट हो गए हमारे पास। रूट्स भी हैं इनकी 3, और ये एक छोटा सा ये भी लगा हुआ है। देखा आपने, ये रूट लेवल से ही अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। तो आप
एक प्लांट लेकर उसके जो फर्दर है कोई मल्टीपल आप प्लांट्स कर सकते हैं, और अपने नेबर्स में भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव में भी गिफ्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके, ये हमारा मेजर पॉइंट, मतलब कि मेजर प्लांट ये बच गया हमारे पास। ये देखिए इसका कितना मोटा भी ट्रंक भी हो गया, और इसकी रूट्स देखिए कितनी डेवलप हो गई हैं और कितनी मोटी ताज़ी रूट्स हो गई हैं, और ये ऊपर से देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, कितने मोटे मोटे स्लाइस हैं इसके। हाँ, हाथ हाथ से टच करता हूँ तो काफ़ी पल्पी लग रहा है मुझे, जैसे जूस से भरा हो। हाँ, दिल तो चाह रहा है इसको थोड़ा सा खाऊं, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा मैं। ये देखिए, अगर आप इसको एक दिन भी 24 घंटे इसको ऐसे रहने देंगे, गर्मी के इवन के गर्मी के सीज़न में भी जब लो चल रही होती है जिस तरह के अब है, जून के महीने में भी इसको मैं अगर 24 घंटे के लिए छत पर रख देता हूँ, 24 घंटे के बाद आकर दोबारा मिट्टी के अंदर लगाता हूँ, तो ये फिर भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। और उसकी रीज़न ये है कि इस जो पत्ते हैं इसके, जो स्लाइस हैं इसके, इसके अंदर ओनली पल्प ही पल्प है, मॉइस्चर ही मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद है। तो जब तक मॉइस्चर मौजूद रहेगा ये जो प्लांट है वो मरेगा नहीं। तो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उसके पत्ते जो है ना वो बहुत सॉफ्ट पत्ते होते हैं, पेटल्स उनके बहुत सॉफ्ट होती हैं, उनके अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है, और लकड़ी भी होती है उनके अंदर, टिम्बर प्लांट होते हैं, तो वो जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते अगर ज़्यादा देर तक बाहर पड़े रहें। वेल, अभी मैं इसको उसी जो पॉट है उसी के अंदर ही लगा दूंगा इसको, जस्ट थोड़ी सी रूट्स इसकी काट दूंगा, हाथ से ही आप इसको तोड़ सकते हैं रूट्स इसकी, घबराइएगा नहीं, ये देखिए घबराइएगा नहीं, कुछ नहीं होता प्लांट्स को। ओके, कुछ इस तरह से मैंने इसको, और जो ट्रंक लेवल है वहाँ से मैं थोड़ा सा एम्प्टी करूँगा एरिया, ताकि वो विजिबल हो मिट्टी के अंदर दबा सके, क्योंकि मिट्टी के अंदर ओनली ये एरिया दबा हुआ था। तो इतना मोटा प्लांट और इतना वेट है इस प्लांट का, पल्प का इतना वेट है कि ये स्टेबल नहीं रह पाता, रोकिंग करता रहता है, मिट्टी के अंदर भी लगा रहे तो ऐसे ऐसे रोकिंग करता रहता है, हल्की सी हवा भी चले, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्टेबल भी हो जाए। तो इसलिए जो लोअर साइड पर लीव्स होंगे, जो इसके स्लाइस हैं, उसको मैं रिमूव करके फेंक दूंगा। ओके, ये देखिए कुछ इस तरह का ये शेप आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का बन गया है। इस लेवल तक मैं इसको मिट्टी के अंदर अब दबा दूंगा और ये अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकेगा। तो मैं मिट्टी डालता हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर भी करता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने मिट्टी थोड़ी सी इसके अंदर भर ली है, और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसको फुली नहीं भरा अभी, मैंने सबसे पहले मैं ये प्लांट को प्लेस करूँगा इसके अंदर और थोड़ा सा दबा दूँगा, देन उसके बाद मैं वही मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ। इस मिट्टी को आप रीयूज़ कर सकते हैं, मिट्टी कभी एक्सपायर नहीं होती, चाहे वो लाइफ टाइम के लिए आप यूज़ करें, बार बार यूज़ करें, अगेन एंड अगेन यूज़ करें, मिट्टी एक्सपायर नहीं होती। क्योंकि मेरे एक व्यूअर हैं वो कहते थे कि मिट्टी हम कितनी देर के बाद उसको चेंज करें, और क्या ओल्ड मिट्टी को हम, ओल्ड सॉइल को हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो वही मिट्टी कभी भी एक्सपायर नहीं होती, जस्ट कुछ उसके अंदर पावर कम हो जाती है, तो पावर को बढ़ाने के लिए आप थोड़ी सी 1 से 2 टीस्पून गाय का गोबर, ड्राई गाय का गोबर या कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, उसमें मिक्स कर देंगे तो उसकी पावर जो है ना वो बढ़ जाएगी। ओके, बट ये एक्सपायर कभी नहीं होती, याद रखिएगा, कभी भी मिट्टी आपकी एक्सपायर नहीं होगी। एक ही मिट्टी को आप पूरी लाइफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, मैं अंगूठे की मदद से इसको प्रेस कर रहा हूँ मिट्टी को, ताकि ये रोकिंग ना करे और स्टेबल हो जाए प्लांट, क्योंकि प्लांट का वेट बहुत है। आई थिंक ये 2 से 2.5 kg का इसका जो वेट होगा, ऊपर इसके जो पल्प हैं, पल्पी जो स्लाइस हैं इसके बहुत मोटे ताज़े हैं, तो वेट काफ़ी बढ़ गया है इनका, इसलिए इसको बहुत टाइटली इसको आप फिंगर की मदद से, अंगूठे की मदद से आप दबा के टाइट कर सकते हैं। वेल, फिर भी ये स्टेबल नहीं हुआ मुझसे सही तरह से, मतलब कि सेंटर नहीं हुआ, इसको काट देना चाहिएगा। ये देखिए प्लांट एक साइड पर झुका हुआ है, तो कोई बात नहीं, झुकने देते हैं इसको, ये खुद ही कुछ दिनों के बाद ये जब अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। इसको एक मरतबा खूब अच्छे से पानी भी दीजिएगा, मैं पानी बाद में दूंगा। ओके, अब बारी आती है ये छोटे प्लांट्स की, छोटे प्लांट्स के लिए मैं छोटे पॉट्स यूज़ करूँगा, छोटे पॉट्स और गया जिस तरह के ये पॉट देखिए, ये भी है, तो मैं चाहता हूँ कि एक के अंदर ही सारों को लगा दूँ। ओके दोस्तों, मैंने ये छोटे वाला पॉट चूज़ कर लिया है, वो काफ़ी बड़ा लग रहा था मुझे, तो ये मैंने छोटा सा चूज़ किया, तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जो भी रनर्स हैं
वो एक पोर्ट में ही फिलहाल के लिए शिफ्ट कर दो। थोड़ी सी मैं रूट्स काट लेता हूँ इसकी ताकि ये स्टेबल हो जाए मिट्टी के अंदर। सारे के ऐसे ही मैं काट लेता हूँ एक्स्ट्रा रूट जो है ना, इसको बोलते हैं रूट प्रूनिंग करना। रूट प्रूनिंग अक्सर मेरे व्यूवर्स हैं उनको नहीं मालूम कि रूट प्रूनिंग क्या होता है। बेसिकली हम उर्दू में उसको बोलते हैं कटिंग, कांट छांट करना, ब्रांचेस की या जड़ों की कांट छांट करना। मतलब कि कांट छांट जो एक्स्ट्रा इसकी, जिस तरह हम अपनी ट्रिमिंग करते हैं, बालों की ट्रिमिंग करवाते हैं ना, इसी तरह रूट की हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, थोड़े थोड़े काट रहे हैं, जो एक्स्ट्रा जो उसकी शेप बढ़ गई है उसको हम काट के एक शेप दे रहे हैं ताकि उसकी ग्रोथ, नेक्स्ट ग्रोथ उसकी अच्छी हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग जाए। तो ये इसके अंदर मैं फिंगर से ही होल कर लूँगा और इसको मैं दबा दूँगा। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो देन मैं इसको किसी लार्ज स्पेस में भी शिफ्ट कर सकूँगा, मतलब इंडिविजुअली अभी भी करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर रहा है फ़िलहाल। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, टेरेस के ऊपर काफ़ी गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है इस वक्त। हाँ, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी मैं अपने रूम में चला जाऊँ। ओके, चार प्लांट्स हैं हमारे पास, चारों को मैंने होल्स करके ये जो बॉटम पर है ना इसका स्लाइस मैं उतार देता हूँ। ये देखिए ये भी कितना पल्पी है, ये इसके अंदर भी कितना पल्प मौजूद है। बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है मेरे एलोवेरा प्लांट की। मैं कोई फर्टिलाइज़र इनको नहीं देता, जस्ट पानी। इसको जितना भी पानी देंगे ये मुरझाएंगे नहीं, मतलब कि ये इनकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। कम पानी देंगे तब भी ये स्टेबल रहेंगे, ज़्यादा पानी देंगे तब भी इनकी ग्रोथ होती रहेगी। ये इतना ढीठ किस्म का पौधा है, हर किस्म की मिट्टी में भी ये सोयल में हो, मिट्टी हो, कंपोस्ट हो, काउडंक हो, जौन सी भी मिट्टी हो, इवन के पत्थर वाली मिट्टी हो ना जिसके अंदर छोटे छोटे स्टोन भी होते हैं, पथरीली उसको मिट्टी बोलते हैं, उसके अंदर भी इनकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहती है। ओके, ये हमने लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा हम पानी दे देंगे ताकि ये पूरा जो एक बार गीला हो जाए और सारा अपना पानी जो सक कर लें। ये हर्बल प्लांट है, मैं चाहूँगा कुछ रोज़ के बाद इसको लार्ज स्पेस में या इंडिविजुअली एक पॉट में शिफ्ट करता रहूँगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोपागेशन की पता चल गया होगा कि जो एलोवेरा प्लांट है वो उसकी प्रोपागेशन लीव से नहीं होती, मतलब कि उसके स्लाइस से नहीं होती, बल्कि उसकी जो प्रोपागेशन है वो रूट लेवल से होती है। मिट्टी के अंदर से ही रूट जो बढ़ती हैं ना, वहीं से उनके अंदर से रनर्स निकलते हैं, जो कि ये हैं, ये रनर, इनको बोलते हैं रनर। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, आप अपने एलोवेरा का भी इसी तरह रिपोर्ट कीजिए, रनर्स अगर निकले हुए छोटे छोटे उनको सेपरेट कर लीजिए ताकि आपके पास मल्टीपल प्लांट हो सकें, और जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे आप अपने नेबर में या अपने किसी रिलेटिव्स को, किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हैं। पौधों का गिफ्ट ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें पौधों के बारे में, पौधे एक दूसरे को दिया भी करें, गिफ्ट भी किया करें, क्योंकि अगर आप ये पौधे एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो एक दूसरे को जोश पैदा होगा, शौक पैदा होगा कि हम भी पौधों के बारे में सीखें कि उसकी केयर कैसे करनी है, हम खुद से करें कि कटिंग कैसे लगानी है, प्रोपागेशन कैसे करनी है, सीड से जर्मिनेशन कैसे स्टार्ट होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।